हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर आप लोगों को लर्निंग पॉइंट ज्ञान के चैनल पर आज जो सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ है साइंस का 80 ऑब्जेक्टिव का आपको आंसर बता रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप अपना आंसर मिला लीजिए कि मेरा कितना सही गया है। लेकिन यहाँ बता देना चाहते हैं कि हम जो आपको जिस सेट का क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं वह है ग्रुप बी। अगर आपको किसी भी सेट का मिला है तो आप 10 मिनट समय निकाल कर इसको सुन लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए कि मेरा कौन सा सही गया कौन सा गलत गया। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी AgNO3 एवं Cu। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 7। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंटेन C5H12 के कितने संरचना समावयवी है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, दही में कौन सा अम्ल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सोडियम। नेक्स्ट प्रश्न है, A4C3 के जल अवघटक से निम्नलिखित में कौन बनता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इस प्रश्न का स्टूडेंट सही उत्तर नहीं पता है, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी AuGold। नेक्स्ट प्रश्न है, लेंस की आवर्धन क्षमता का SI मात्रक, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये मात्रा विहीन है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी काला। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण के प्रावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है गोलीय दर्पण का द्वारक ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी या तो समतल या तो उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से सभी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों का टिमटिमना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 32। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कॉकरोच। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उपचयन। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी XX। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी का उदाहरण है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीबा। नेक्स्ट प्रश्न, गांठ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए भित्री। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन का निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है, इस प्रश्न का स्टूडेंट नहीं है, अगर आपको पता है तो इसको जरूर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, तो ऑप्शन सी सही है CO। नेक्स्ट प्रश्न है, इथिलीन है, इस प्रश्न का सही उत्तर भी स्टूडेंट नहीं पता है, अगर आप लोग को पता है तो इसको कमेंट में जरूर कीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बायोगैस ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य क्या था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी Mg। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी P। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब का अनुपमांक 220 वाट तथा 100 वाट है। जब इसे 110 पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 वाट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर स्टूडेंट नहीं पता है, अगर आपको पता है तो इसको कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशि उनमें समान रहती है? तो इस प्रश्न सही उत्तर है विद्युत धारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनवीकरणीय ऊर्जा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कोयला से प्राप्त ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी 19.8 है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो स्टूडेंट इसका भी आंसर नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट जरूर करें। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कोयला और पेट्रोलियम ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तम ऊर्जा स्रोत वह है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जिसमें सभी गुण हो। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 2%। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण का विकास होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए अवतल लेंस। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक? ऑप्शन बी डायोप्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 3.6 × 10⁶ जूल ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी कांच में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। नेक्स्ट है, बैटरी का अम्ल है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न है, कली चूना का रासायनिक सूत्र? ऑप्शन बी CaCO3। कली चूना का CaO ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, आयोडीन युक्त नमक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों सी। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। नेक्स्ट प्रश्न डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गंधीय सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्यूटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, C16 फुलेनिन की आकृति निम्नलिखित में से कैसी है? फुटबॉल जैसी, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईंधन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पेट्रोलियम कोयला ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्षारीय। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोग बंधनों की संख्या 7 ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है, किस pH का मान विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 होगा। नेक्स्ट है, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट प्रश्न है, क्यूपिराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी Cu। नेक्स्ट, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट है,
द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डार्विन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन में अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट प्रश्न, परिशेषिका हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आहार नलिका। नेक्स्ट प्रश्न, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अपघटक ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए घास पुष्प तथा चमड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। निम्न में से कौन हेटरोक्राइन ग्रंथि है? तो स्टूडेंट इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी वृषण। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें सभी डी ऑप्शन से। निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ईस्ट में ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में? तो स्टूडेंट्स आज ये 80 क्वेश्चन का 2-4 क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए, तो इसको कमेंट में हम लिख देंगे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में खुद कर दीजिए क्वेश्चन नंबर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।